बॉम्बे फैन क्लब की ओर से हमारे सभी फैंस का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर श्रीमती जया परमार, जो कि अपना जन्मदिन मना रही हैं, और उनके जन्मदिन पर भूपी फैन क्लब की ओर से हम उनको एक ऐसा अनोखा तोहफा देना चाहते हैं, ताकि सिर्फ वो खुद ही नहीं लेकिन उनको सुनने वाले करोड़ों लोग जो पूरे देश विदेश में, आप देख सकते हैं कि 4,000 से भी ज्यादा गाने उनके YouTube के ऊपर उपलब्ध है, और इन उपलब्धियों को उपलब्ध करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। आज भी लोग पूछते हैं उनसे कि मैडम आपने कितने गाने गाए, किस लिए गाए, कैसे गाए, तो उनके पास अनगिनत जवाब है, लेकिन सभी के पास जाकर तो जवाब दे नहीं सकती, इसलिए वो गानों के द्वारा आपको यहाँ पर बताएगी। तो आप लोगों ने सुना कि दुनिया वाले अनगिनत सवाल पूछते हैं जिनका जवाब उनके गानों में है, और हाँ ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि आपने पुराने गाने, जो पुराने नगमे हैं, मेलोडियस गाने आपने कितने गाए। मेरे ख्याल से उन्होंने अनगिनत पुराने गाने गाए हैं, जिनकी बदौलत आज सीनियर सिटीजन जितने भी यहाँ पर क्लब्स चलते हैं पूरे मुंबई में, भारतवर्ष में, पूरे विदेश में, जहाँ पर गार्डन्स हैं वहाँ पर पुराने गाने जो दोहराते हैं, वहां पर जया परमार जी को सभी दिल से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे पुराने गाने अपनी आवाज में गाए हैं और लोगों का मन लुभाया है। इसलिए मैं आपके सामने, आप खुद ही देख लीजिए वो कैसे पुराने गाने को भी अच्छी तरह से गा लेती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने उनकी मधुर आवाज में ये पुराना गाना, जो कि कई बार सुनने के बाद भी आदमी का मन नहीं भरता, वैसे ही जया परमार जी के गाने जब भी लोग सुनते हैं, सिर्फ सुनते ही नहीं देखते हैं, तो लोगों का मन नहीं भरता, इसके लिए बार बार देखते हैं, व्यूज इतने सारे बढ़ते रहते हैं, और हमारा जो चैनल है उसको हमेशा लोग सब्सक्राइब करते रहते हैं। आप भी जरूर कीजिएगा जो सुन रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अभी कई बार लोग कहते हैं कि अनगिनत, जैसे स्टार मेकर के ऊपर या फिर स्मूल के ऊपर 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग गाना गाते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोगों का ही नसीब खुलता है। ये नसीब भी साथ देना चाहिए, हर आदमी की जिंदगी में नसीब अगर उसका साथ दे, लक उसका साथ दे, तो उसके घर में, उसके दिनचर्या में 4 चांद लग जाते हैं। तो आइए हम भी सुनते हैं कि जया वर्मा जी नसीब के बारे में क्या सोच रही है।
परमात्मा के हर किसी को नहीं मिलता यहाँ पर, प्यार या फिर शोहरत या फिर वो चीज जिसकी वो तलाश कर रहा है। वैसे एक बात है कि एक आवाज ऐसी है जो अनगिनत लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन इनकी मधुर आवाज उनसे हूबरू जचती है, या आप कह सकते हैं कि जब वो गाती है तो लगता है कि ये जो अदाकारा है, ये जो सिंगर है, उसकी आवाज और इनकी आवाज दोनों एकदम सिमिलर है। जो कि वो सिंगर के गाने इतने सारे नहीं हैं, अदरवाइज मेरे ख्याल से जया परमा जी देश विदेश में घूमती होगी अनगिनत गानों के साथ, शोज करती हुई। तो आप देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे वो आवाज को, जो आवाज उससे बहुत मैच करती है। अनगिनत गाने गवा सकते हैं और वो नॉन स्टॉप रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कर सकती है 48 घंटे या दो दिन तीन दिन तक भी आप उसको मंच के ऊपर खड़ा करोगे तो अनगिनत गाने गा गा के आपके मन को बहलाएगी और खुश करेगी। मेरे ख्याल से आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, इस दुनिया में जया परमार जी सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटने आई है, खुशियां बांटने आई है। कई गम लोगों के दिमाग में है या मन में है या बहुत सारे समस्या है, बीमारियां है, उन सब से उभर कर बाहर की दुनिया खुश खुशहाल है, अंदर की दुनिया भी खुश खुशहाल है। ये सिर्फ लोगों में खुशियां बांटने आई है, उनके बारे में लोग अनगिनत बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, फिर भी जया परमार जी का एक ही उद्देश्य है, प्यार दो प्यार लो।